यो बात छोड़ो, आज सवेरे के भयानक आंधी में अपनी बहुत सारी चीज जोड़ गई। मैं दो चीज पागी, सब्जी का कला सर एक गमला भीतर लेके आ जाता हूँ। आज अपना नुंदा रहा ससुराल में, चला जाता हूँ। छोटी सड़न लगाई, झटके कटाई, क्योंकि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, कंप्लीट डैमेज हो गई थी। इंश्योरेंस वाले एक साल तक चक्कर कटाने लग रहे थे, पैसा मिल ही रहा था। उसने माता रानी की कटाई बोली, हफ्ते के अंदर उसका काम हो गया। भाई झटके कटाई के बहुत सारे नियम कानून है, मैं बता देता हूँ। इस कटाई के अंदर 5 सुहागण स्त्रियों को पाइया मीठा खाना होता, बगैर छोटे बगैर बोले चुपचाप खाना होता। सबसे बड़ी कंडीशन ये है इसकी, और कार्यक्रम शुरू होता है। माता रानी को केले चढ़ाए जाते हैं, जोत के ऊपर घी डाला जाता है ताकि अंगारा भी सिलक जाए। माता रानी को कैश चढ़ाया जाता है, प्रत्येक प्लेट में से छोटा छोटा भोग माता रानी को चढ़ाया जाता है। सब स्त्रियों को गेहूं दिए जाते हैं और सभी स्त्रियों ने माथा टेक के अपना प्रसाद खाना शुरू कर दिया। फटाफट प्रसाद निपटा के वो शुरू कर देती हैं भजन गाना, कीर्तन करना, सत्संग करना, और इस प्रकार से कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से निपट गया। माता रानी के झटके की कटाई लग गई, कटाई लगते ही निर्वी का भी एक दांत टूट गया। और आज है ज्योति रानी का छोटी साड़ी का बर्थडे। हम लोग निकल देते हैं बाजार से उसके लिए गिफ्ट लाने के लिए। रास्ते में यह आइटम मिलता है, पता नहीं है क्या, आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। पहुंच जाते हैं सीधा गिफ्टों वाली दुकान पे, और हमारी घरवाली ये बताती है कि उसको बादाम किशमिश काजू रखने वाले बॉक्स चाहिए थे, बोला मैं सरप्राइज दूंगी, पर सरप्राइज छाटा नहीं गया तो उसको वीडियो कॉल लगा ली, छाट लिया एक आइटम, उसको गिफ्ट रैप करवा लेते हैं भाई से। भाई ने बहुत ही बढ़िया तरह गुंडी वाले रिबन बना के पैक रैप करके गिफ्ट दे दिया हम लोगों को। लेके पहुंच जाते हैं सीधे घर पे, ज्योति रानी को पकड़ाते हैं, उसका दिल खुश हो जाता है, बच्चे अपनी मस्ती में मस्त है। उसने बर्थडे तो कोई लेना देना नहीं, खोलना शुरू करती है ज्योति रानी बर्थडे गिफ्ट को, और गिफ्ट रैप के अंदर से निकलता है वो सरप्राइज जिसका उसको पहले से ही पता है। बच्चे भी बहुत खुश हो गए, उनको मिल गए ये बुलबुले से फोड़ने के लिए, बहुत अच्छा टाइम पास है ये। इतनी ही देर में घरवाली चाय ले आती है, पर हमारा चाय का समय होता है 4 बजे, पर आज ज्योति रानी घर जा रही है इसलिए चाय थोड़ी जल्दी मिल गई, 1:30 बजे। चाय के साथ मिलते हैं हमें भुजिया और लड्डू। अब शुरू होती है विदाई की रस्म, मानतान की रस्म। हमारी सासू जी की 3 लड़कियां और 2 जमाई आए हुए थे। सासू जी ने दिल खोल दिया और गड़ागड़ रुपये बांटने लगी। सबसे पहले तो नीलम की सासू को देती है, और हमारे छोटे वाले साडू साहब अभी तक थोड़े थोड़े शर्माते हैं, वो ना नुकर कर रहे हैं, नहीं लूंगा। मैं खाजी लेना ही लेना, क्या ना नुकर करनी, कैसा रहा जेब में, क्यों मना करना, डाल दो ऊपर वाले जेब में, खा जो मीटर को। मैं ये सारा सीन चुपचाप बैठे देख रहा था और बांट देख रहा था, मेरा नंबर कब आएगा। माता जी को मेरी सुध आ गई, वो आ गई मेरे पास भी आखिरी में, बोला ले बेटा 200 का नोट। मखा माता जी, और नोट मोदी सरकार ने चलाया नहीं था, मार भर के बटे हुआ खातर, 500 का ज्यादा, 100 का कम है, तो उसने 200 का चला दो। सबसे विदा लेके छोटी साड़ी निकल लेती है, और मैं भी पहुंच जाता हूँ घर पे। कुछ कंप्यूटर के काम है, मैं जुट जाता हूँ अपने कामों को तत्परता से करने के लिए। कुछ तो निपटता है, कुछ रह जाता है, साइटें नहीं चल रही थी। इतनी देर में घरवाली आ जाती है लिफाफे लेके, मैं देखा क्या क्या लाई है। वो लाई थी सोन पपड़ी, शहद के 2 डब्बे, और एक लाई थी अपने लिए करीम का डब्बा जो ज्योति कैंटीन से लेके आई थी। समय हो गया था 5 बजे का, और हल्की हल्की भूख लगाई थी। घरवाले ने हमारे लिए मैगी चढ़ा दी, पर डेटा नहीं जा रहा। मैंने डब्बे में से निकाल लिया, वो आंवले से धरे थे, चटपटे आंवले, 4-5 आंवले भी पटन बिठा दिए। अब मैं करड़ी बाट देख रहा था, चाह की मैगी की, फटाफट दे दिया भाई, मिनटा में पैर गया। सेकंड एक लाई मैंने, कासण धर दिया, लुगाई तो लागी कासण मांझण, मैं लेकर लेता हूँ भाई अपनी होका पार्टी के लिए, सवेरे तो होका नहीं पी लिया है। पहुंचते भाइया ने तत्परता दिखाई, फटाफट होका भर दिया भाई, उनके साथ बातचीत करने में, होका पीने में जो आनंद आना नहीं समझ लो क्या है, मैं भी नहीं आता, होका पी के वापस पहुंच लिया हूँ। और हमारी साला भी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई थी, अपनी थैली लटकाए बेचारी आ गई, मैं उसको रिसीव करने के लिए पहुंच गया। घर पहुंच गया भाई, तिरफला चूर्ण खाता हूँ 1 चम्मच, क्योंकि हमारे गुरु जी ने बता रखी अगर 35 साल से उम्र ऊपर है तो डेली तिरफला की 1 चम्मच जरूर खानी है। और इसी के साथ एक हसीन दिन का एंड करते हैं। राम राम।